क्लास नाइन्थ आज हम आपको जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उस इंग्लिश सब्जेक्ट का हम आपको बता रहे हैं कि क्या रिडक्शन हुआ है, मतलब जो बोर्ड ने रिडक्शन किया है क्लास नाइन्थ आप लोगों को, उसमें कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन से पेजेस और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो क्लास नाइन्थ आपका बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इन इंग्लिश वो आप देख लीजिए जल्दी से। इसमें दो प्लान नज़र आ रहे हैं पीडीएफ के अंदर मुझे, एक प्लान बी है और एक प्लान सी भी है, मतलब एक प्लान उनका शायद जुलाई का है और एक अगस्त या सितंबर का प्लान है। तो इस प्लान बी सी के हम दोनों ही बता देते हैं फिर बेटर रहेगा, आप समझ जाएंगे। ओके, तो इंग्लिश का मैं आज दे रहा हूँ, हिंदी मराठी की मैं वीडियो बना चुका हूँ रिडक्शन की, आज हम इंग्लिश की करेंगे। क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड 25% जो रिडक्शन ऑफ सिलेबस हुआ है आपका, तो कौन कौन से लेसन्स हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जल्दी से टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और ये देखते देखते उसे नोट कर लीजिए। लेसन जो है हमारा 1.2 अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन जो है, पेज नंबर 5 ओमिट हो गया है। पेज नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 3 1.2 सिनॉप्सिस से, फिर 1.3 है फर्स्ट यूनिट में ही, हैव यू एवर सीन, जिससे एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 14 से चली गई है। फिर आपका 1.4 है, हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव, ये पूरा चला गया है, ऑल एक्टिविटीज इसकी गई हैं, पेज नंबर 15 कंप्लीट ओमिट हो गया है। ओके, आई होप सो आप पेज पलट रहे होंगे, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ करें। 1.2 1.3 1.4, बाकी अगर आप पीछे रह जाएं तो कोई बात नहीं है, तो वीडियो बना के हम आपको दे रहे हैं, आप पॉज कर करके मार्क कर लें, एक बार मार्क कर लें ताकि बार बार ना करना पड़े। फिर 1.5 में द नेकलेस है जो हम कर भी चुके हैं, उसका पार्ट 2 एक्टिविटी 3 पेज नंबर 25 है जो चला गया है। इनविक्टस 2.1 है। ओके, यहाँ पर कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ 1 आएगा, 127 लिखा था वहाँ। और टू स्टोरी ऑफ सी टर्टल 2.2 1 पेज नंबर 30 है, ये ओमिट हो गया है। 2.4 है द फॉल ऑफ ट्रॉय 1 39 पेज नंबर है। ओके, 39 पेज नंबर है और यहाँ जो बॉक्स में ब्लैंक है वहाँ पर 1 है एक्चुअली, मतलब वहाँ पीडीएफ में 1 लिखा हुआ है। फिर 2.5 ऑटम है आपका, एक्टिविटी 7 नंबर पेज नंबर 51। 2.6 द पास्ट इन द प्रेजेंट, इसकी सारी एक्टिविटी चली गई है, 52 पेज नंबर पर है। ओके, फिर 3.4 है हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटर्न, इसकी एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 गई है, पेज नंबर 78 पर है। तो ये आपका प्लान बी है जो मैंने आपको बता दिया कौन सी एक्टिविटी नंबर किस पेज पर है, किस लेसन से चली गई है, जो ऑल है तो सारा चला गया लेसन। ओके, बाकी सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ पढ़ के रखना है, उसमें से कुछ आएगा नहीं। अब आपका एक वहाँ पर पीडीएफ में मुझे रिडक्शन प्लान सी भी नज़र आया था जो कुछ सेप्टेम्बर डेट लिखी हुई थी वहाँ, अब इसका क्या एक्चुअल मतलब है, तो इसमें 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 3.4 ये सब सेम ही है, चेंज नहीं है, मतलब जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था लास्ट 3.4 प्लान बी में हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटर्न 1, 2, 3 एक्टिविटी पेज नंबर 78 ये प्लान सी में भी लिखा हुआ है, लेकिन प्लान सी में फोर्थ यूनिट भी ले ली गई है। ओके, प्लान सी में फोर्थ यूनिट भी ले ली गई है, 4.1 का प्लीज़ लिसन का एक्टिविटी नंबर 1, 8, 9, 10 पेज नंबर 80, 83 के ऊपर। फिर 4.2 है द स्टोरी टेलर, इसमें एक्टिविटी 7, 8 है, पेज नंबर 92 पे ओमिट हो गया है। इंटेलेक्चुअल रबिश, ये पूरी एक्टिविटीज़ सब इसका ओमिट हो गया है, पेज नंबर 93 पे। और 4.4 में माय फाइनेंशियल करियर, ये एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 104 पे ओमिट हो गई है। ओके, माय फाइनेंशियल करियर। सो इस तरह से नाइन क्लास आपका 2020 से 2021
जिसे आप 2021 कहते हैं, ये जो सेशन आपका जा रहा है इसके अंदर जो महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कुमार भारती, ओमिट हो गए हैं ये एक्टिविटीज़, लेसन्स की ओमिट हो गई हैं, पेज नंबर के साथ मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो क्या है क्या नहीं है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। और अगर आप PDF भी चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको PDF भेज सकता हूँ, लेकिन मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।